हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपका आज की क्लास में स्वागत है। आज हम जो है प्लस वन क्लास की प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर एक करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एक में हम जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। जब भी हम कभी जनरल एंट्री करते हैं तो सबसे पहले सेंटर में जो लिखा जाता है जनरल एंट्रीज, पहला कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का, फिर डेबिट अमाउंट इन रुपीज़, उसके बाद क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज़। फिर हमारे पास पहली ट्रांजेक्शन दी हुई है कि 2010 जुलाई फर्स्ट, हमारे पास पहली ट्रांजेक्शन दी हुई है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब भी कभी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि हमारा कैश बढ़ता है, और कैश हमेशा डेबिट करने से बढ़ता है। तो कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और क्रेडिट किया जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। तो पहली एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जब भी कभी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो आप सभी जानते हैं कि कैश हमारा आता है और कैपिटल भी बढ़ती है, तो कैश हमेशा डेबिट करने से बढ़ता है। डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश जो है वो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट कम्स इन, और कैपिटल जो है वो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर को जो है क्रेडिट किया जाएगा। इस प्रकार से ये कहा जाता है कि जब भी कभी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश से हमेशा कैश बढ़ता है और कैपिटल बढ़ता है। तो कैश आपका 10,000, और इसी प्रकार से जितनी राशि से खाते को डेबिट किया जाएगा उतनी राशि से दूसरे खाते को क्रेडिट अवश्य किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी पहली ट्रांजेक्शन में स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की जनरल एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद अगली एंट्री है, आप सभी जानते हैं आपने 2 जुलाई को जो है आपने माल परचेज किया। तो जब आप माल परचेज करेंगे तो आप 2 जुलाई को जो है डेट लिखेंगे। फिर आप जब माल परचेज करेंगे तो आप सभी जानते हैं जब भी कभी माल परचेज किया जाता है तो आप एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। जब आप कैश में माल खरीदते हैं तो कैश जो है वो क्रेडिट होती है। तो इस प्रकार से जनरल एंट्री की जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज हमेशा डेबिट करने से बढ़ती है और कैश जो है वो क्रेडिट करने से कम होता है। तो क्योंकि परचेज जो है वो रियल अकाउंट है, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, आपके पास माल आया इसलिए परचेज को डेबिट किया और कैश अकाउंट को जो है वो क्रेडिट किया, जितने का आप माल आपने खरीदा 5,000 और 5,000। उसके बाद आप इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश परचेज। उसके बाद अगली जो एंट्री की जाएगी वो 4 जुलाई को की जाएगी। जो एंट्री की जाएगी वो आपका अगली 4 जुलाई की जो एंट्री है वो है सोल्ड गुड्स टू ऋषभ। आपने ऋषभ को माल बेचा। जब भी कभी आप माल बेचेंगे तो इस बात का ध्यान रखें, तो आप इसकी एंट्री करेंगे जिसको आपने माल बेचा, ऋषभ को आपने माल बेचा, तो एंट्री की जाएगी ऋषभ अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो ऋषभ को डेबिट किया जाएगा और सेल को क्रेडिट किया जाएगा टू सेल अकाउंट। तो जितनी राशि से जो है एक खाते को डेबिट करते हैं उतनी राशि से दूसरे खाते को जो है वो क्रेडिट अवश्य करते हैं। तो आपने ऋषभ को माल बेचा था 1,000 का, तो आप एंट्री करेंगे ऋषभ टू सेल 1,000 और 1,000। उसके बाद आपकी जो है अगली एंट्री 5 जुलाई की है, आपको कमीशन रिसीव हुआ। जब कभी भी आपको कमीशन रिसीव होगा 5 जुलाई को, तो आप सभी जानते हैं जब कभी कोई चीज़ आपको रिसीव होती है तो आपको कैश रिसीव होता है, और किसके कारण हुआ आप सभी जानते हैं, कमीशन के कारण। तो एंट्री की जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो इस प्रकार से जो है इसकी लेखा पुस्तकों में एंट्री कर दी जाएगी। तो कैश आपको रिसीव हुआ 100 रुपीज़, और किसके कारण हुआ कमीशन के कारण। तो कैश हमेशा डेबिट करने से बढ़ता है, और क्योंकि ये बिजनेस की इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। तो जब भी कभी आपको कैश रिसीव होगा तो आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। फिर इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग कमीशन रिसीव। उसके बाद आपकी जो अगली ट्रांजेक्शन है वो 8 जुलाई को है, आपका टेलीफोन बिल पे आपने पेड किया। तो जब भी कभी टेलीफोन बिल पे करेंगे तो जिस भी खर्चे को आपने दिया उसको डेबिट किया जाएगा। तो टेलीफोन बिल को अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो क्योंकि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, ये नॉमिनल अकाउंट है। तो आपने एंट्री करी टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इस प्रकार से आपने लिखा उसको मैं एंट्री करी टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जितना भी जितने का आपने टेलीफोन बिल दिया, तो टेलीफोन बिल की जो आपने पेमेंट करी वो करी जी 250 की। तो इस प्रकार से एंट्री करेंगे टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट या टेलीफोन एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 250 और 250। उसके बाद आपने बैंक में पैसा जमा कराया जिसकी आपके पास ट्रांजेक्शन दी है डिपॉजिट इन टू बैंक। जब भी कभी बैंक में पैसा जमा करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि
जब कभी पैसा जमा किया जाता है तो बैंक बढ़ता है। और ये कितनी तारीख की एंट्री है, ये आपकी है जी 10 तारीख की, तो आपने 10 जुलाई को जो है आपने इसकी एंट्री करनी है। तो बैंक अकाउंट एफ बी टू कैश अकाउंट, जब भी कभी आप बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक बैलेंस बढ़ने से, क्योंकि आप सभी जानते हैं बैंक की जे पर्सनल अकाउंट, बैंक का रूल है, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, बैंक ने रिसीव किया इसलिए बैंक को डेबिट करेंगे। और क्योंकि हमसे कैश गया है तो ये क्रेडिट वर्ड गोज आउट, क्योंकि कैश जो है वो रियल अकाउंट है, तो कैश का रियल अकाउंट का रूल लागू होगा। तो इस प्रकार से आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बैंक आपका डेबिट हुआ है 1000 से और कैश जो है वो क्रेडिट हुआ 1000 से। उसके बाद आपने जो है, आप सभी जानते हैं कि आपने भी माल परचेज किया, तो जब भी कभी आप माल परचेज करते हैं, तो जब भी कभी आप माल परचेज करते हैं तो एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, एंट्री की जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और इसकी एंट्री की जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज हमेशा डेबिट करने से बढ़ती है। तो आपने माल को परचेज किया फिर 12 तारीख को, तो आप लिखेंगे यहाँ पहले डेट और फिर उसके बाद माल परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और आपने कितने का माल परचेज किया जी 1000 का और 1000 का। तो इस प्रकार से जो है परचेज को आप जो है डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आप इसका टोटल करेंगे, क्योंकि टोटल क्यों करना पड़ेगा कि अगर आपका पेज कोई ख़त्म हो जाता है, जब आपको जनरलाइज भाई हाउ टू जनरलाइज आप फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, तब उस समय भी आपको क्लियर बताया था कि अगर आपका पेज ख़त्म हो जाता है तो आप इसका लास्ट में जो है टोटल बैलेंस जो है, जो आपका टोटल कैरी फॉरवर्ड करना है, जो आपका बैलेंस आया इस बैलेंस को आपने कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट पेज पे, तो टोटल बैलेंस कैरी डाउन, कैरी फॉरवर्ड या कैरी डाउन लिखते हैं या कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो इसका टोटल आपके पास आया 10 + 5 + 1000 + 100 + 250 + 1000 + 1000। तो ये आपके पास आया जी 10, 15, 16, 17, 18, 18,350। तो आमने सामने 18,350 और 18,350 लिखेंगे, 350 लिखेंगे। उसके बाद अगले पेज पे इस बैलेंस को ले जाएंगे, तो जब आप अगर इसको अगले पेज पे ले जाएंगे तो वहाँ पर लिखेंगे टोटल ब्रोड बैलेंस ब्रोड फॉरवर्ड, तो टोटल जो बैलेंस है या बैलेंस टोटल ब्रोड फॉरवर्ड किया आपने, जो भी आपके पास बैलेंस आया तो उसको आप लिखेंगे। तो जो भी आपके पास आया था वो आया था 18,350, तो ये आमने सामने लिखेंगे 18,350 और 18,350। फिर आप सभी जानते हैं कि 2010 और जुलाई आपकी जो डेट आएगी जुलाई की, वो आपका अगला जो ट्रांजेक्शन है वो है जी आपकी कि ऑक्ट्री एंड कार्टेज पेड, तो आपने 12 तारीख को जो है ऑक्ट्री एंड कार्टेज पेड किया, जिसके लिए एंट्री करेंगे ऑक्ट्री अकाउंट डेबिट, ऑक्ट्री को जो है वो डेबिट किया जाएगा, क्योंकि ऑक्ट्री एंड कार्टेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि ऑक्ट्री एंड कार्टेज जो है वो बिजनेस का खर्चा है, क्योंकि आपको बताया कि ये नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट एंड इनकम एंड गेंस आर क्रेडिट, तो ऑक्ट्री एंड कार्टेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और कैश अकाउंट को जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वो 50 रुपीज़ और 50 रुपीज़ इस प्रकार से इसकी एंट्री करेंगे बीइंग ऑक्ट्री एंड कार्टेज पेड, इस प्रकार से इसकी लेखा पुस्तकों में एंट्री कर दी जाएगी। उसके बाद आपने जो है जेन एंड सन्स को जो है माल बेचा, ये आपने 17th को बेचा, 17th जुलाई को, तो जब आप माल बेचेंगे तो आप एंट्री करेंगे जेन एंड सन्स अकाउंट डेबिट, जेन एंड सन्स आपका बिजनेस का डेटर है और आप सभी जानते हैं डेटर हमेशा डेबिट करने से बढ़ते हैं, तो जेन एंड सन्स ने माल को हमने माल बेचा, सेल हमेशा क्रेडिट होती है क्योंकि सेल जो है वो रियल अकाउंट है, वर्ड गोज आउट, जब माल गया तो सेल को क्रेडिट किया, और जेन एंड सन्स जो है वो पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। इस प्रकार से इसकी एंट्री करेंगे जेन एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, तो जेन एंड सन्स जो है वो डेबिट किया और सेल अकाउंट को जो है वो क्रेडिट किया, तो 1000 और 1000 से जितने का आपने माल बेचा, इस प्रकार से जो है इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड सोल्ड टू जेन एंड सन्स। उसके बाद अगला जो है आपने मैंग को माल बेचा, तो जिसकी लेखा पुस्तकों में आप एंट्री करेंगे 18th को, तो जब आप एंट्री करेंगे तो आप एंट्री करेंगे मैंग को जो माल बेचा, क्योंकि आप सभी जानते हैं मैंग बिजनेस का डेटर है, तो इसलिए एंट्री करेंगे मैंग डेबिट टू सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट, जब भी कभी आप माल बेचते हैं तो आप सभी जानते हैं आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो कितने का आपने माल बेचा, ये आपने बैंक को जो माल बेचा वो 1000 का, तो 1000 एंड 1000। इसी प्रकार से जब
जब आप इसकी इनोवेशन लिखेंगे बीइंग गुड सोल टू मैंक। उसके बाद अगली जो आपकी है वो 20 जुलाई को है, 20 जुलाई को फिर आप एंट्री करेंगे। और जब आप इसकी एंट्री करेंगे तो आप एंट्री लिखेंगे क्योंकि आपने माल किसको भी, जो आपका माल है वो रिटर्न हुआ, तो जिसको मैंक को आपने माल बेचा था उसने जो है माल को वापस किया, जिसकी ट्रांजेक्शन आपके पास दिए बींग जो सॉरी जो गुड रिटर्न बाय गुड्स रिटर्न बाय मैंक, तो जिसकी आप लिखा उसको हम एंट्री करेंगे। जब आप सभी जानते हैं कि सेल रिटर्न हुई तो सेल रिटर्न, सेल यदि क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होती है, तो आप इसकी एंट्री करेंगे सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल रिटर्न और रिटर्न इनवर्ट इज वन एंड द सेम थिंग, तो सेल रिटर्न हमेशा डेबिट करने से बढ़ती है। और टू, किसने माल वापस किया, मैंक ने, तो मैंक को क्रेडिट करेंगे। कितने का माल वापस किया, 200 का, तो 200 का आमने सामने जो है वो बराबर लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मैंक। इस प्रकार से इसकी लेखा उसको मैं एंट्री कर दी जाएगी। उसके बाद 20th के बाद जो है आपकी जो नेक्स्ट एंट्री है वो है जी आपकी परचेज गुड्स फ्रॉम अक्षय। तो आपने अक्षय से माल परचेज किया, कब किया जी, जब आपने अक्षय से माल परचेज किया तो किस प्रकार से इसकी लेखा उसको मैं एंट्री करेंगे। तो आपने अक्षय से माल परचेज किया 22nd को, तो आप इसकी एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब भी कभी आप माल परचेज करते हैं, चाहे आप कैश में माल परचेज करें चाहे आप क्रेडिट में माल परचेज करें, तो एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू अक्षय अकाउंट। तो एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू अक्षय अकाउंट और परचेज टू अक्षय। अगर आपने अकाउंट इसके साथ अकाउंट लिखना हो तो ऐसे लगा के अकाउंट लगाना, अदरवाइज इसमें अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पर्सनल अकाउंट के आगे जो है अकाउंट शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और आपने कितने का माल परचेज किया जी, 2000 का, 2000 और 2000। उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम अक्षय के बाद जो है गुड्स रिटर्न टू अक्षय, जब आपने अक्षय को माल वापस किया तो आप सभी जानते हैं ये परचेज रिटर्न हुई, तो अक्षय जिसको माल वापस किया उसको डेबिट कर दो। आपने माल किसको वापस किया जी, अक्षय को, और टू एंट्री टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न को जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। परचेज रिटर्न जो है वो क्रेडिट होती है, और अगर जैसे सेल रिटर्न डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न जो है वो क्रेडिट होती है। ये 20th का था, तो 20th जुलाई को आपने एंट्री करी अक्षय टू परचेज रिटर्न, और कितने का माल वापस किया आपने, 500 का और 500 का। उसके बाद इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न टू अक्षय। उसके बाद 28 तारीख से बाद 30th को जो है एक एंट्री की जाएगी, 30th को जो एंट्री की जाएगी वो की जाएगी जी कि आपने अक्षय को पेमेंट करी, यानी कि आपने चेक इशू टू अक्षय। तो जब आप अक्षय को पेमेंट करेंगे तो आप एंट्री करेंगे अक्षय डेबिट, अक्षय को डेबिट किया जाएगा। और टू, किस टू बैंक, चेक के द्वारा पेमेंट करने पर बैंक जो है वो क्रेडिट होता, तो इसकी एंट्री करेंगे अक्षय टू बैंक। और कितने का माल वापस आपने किया, 1000 और 1000 का। इस प्रकार से आपने इसकी एंट्री करी। उसके बाद आपकी अगली ट्रांजैक्शन है वो 30 जुलाई की है, तो 30 जुलाई को जब आपने एंट्री करी तो आपने विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए 1000, तो जिसके लिए आपने एंट्री करी ये अक्षय से, अक्षय को जो आपने पेमेंट करी वो थी आपके पास 5000 की। कितनी थी जी, अक्षय को आपने पेमेंट करी 500 की ओनली, यहाँ पर 1000 की बजाय 500 है। तो इस बात का ध्यान रखें, अमाउंट का भी आप विशेष ध्यान रखें कि जो आपकी बुक्स में आपके क्वेश्चन के अंदर दिया है उसी को लिखें, तो 500 और 500। उसके बाद आपने जो है 30th को जो है जुलाई को जो है वो विड्रॉ किया ड्राइंग की, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट पर्सनल यूज के लिए, तो आप एंट्री करेंगे इसकी ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इस प्रकार से जो है आपने इसकी पर्सनल यूज के लिए जब निकाला तो इसकी एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 एंड 1000 1000, आपने पर्सनल यूज के लिए निकाला। आप इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 1000 एंड 1000, और इसका टोटल करेंगे 29100, और इसका टोटल भी 29100। ग्रैंड टोटल करना जरूरी है, तो ये आप इसका जब आपने टोटल किया तो इसका टोटल आया 29100 एंड 29100। तो इस प्रकार से आप जनरल करेंगे। तो जनरल करते समय जब भी कभी आप जनरल करेंगे, अगर मैं ब्रीफ में आपको बताऊं तो सबसे पहले आप जब भी कभी जनरल एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे जनरल एंट्री, अगर फर्म का नाम दिया तो फर्म का नाम भी साथ में लिखेंगे, पहला कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर का, फिर डेबिट अमाउंट इन रुपीज़ और फिर क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज़। इस बात का ध्यान रखें, डेट को लिखने का तरीका होता है कि 2010 ईयर सबसे पहले लिखा जाता है, फिर मंथ लिखा जाता है और फिर डेट लिखी जाती है। फिर बार बार आपको डेट लिखने की आवश्यकता नहीं, मंथ और ईयर लिखने की जरूरत नहीं है जब तक आपका पेज खत्म ना हो। और जब जिस खाते को आप डेबिट कर रहे हैं उस खाते का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, उसके साथ जो है डी आर शब्द का प्रयोग किया जाएगा,
और क्रेडिट के लिए टू शब्द का प्रयोग करना है, वो बिल्कुल एक आमने सामने नहीं करना है, बल्कि इसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ना है जब भी आप करेंगे। इसी प्रकार से परचेज अकाउंट को डेबिट टू कैश, इस प्रकार से जिस खाते को आप डेबिट कर रहे हैं वो क्रेडिट कर रहे हैं। फिर जब आपका पेज जो है ख़त्म हो जाता है और आपका क्वेश्चन ख़त्म ना हो, तो आप टोटल बैलेंस जो है कैरी फॉरवर्ड करें, उस पर कैरी फॉरवर्ड को जो है अगले पेज पे ले जाएं। और जब अगले पेज पे ले जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि फिर टोटल बैलेंस जो आप बैलेंस टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड आपने किया पिछले पेज से, उसको आप लिखें। उसके बाद आप जो है अगली एंट्रियाँ करें और लास्ट में जो आप इसका ग्रैंड टोटल करें, और ग्रैंड टोटल जो है आपस में मिलना चाहिए ये हमेशा जो है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जितनी राशि से खाते को डेबिट किया जाता है उतनी राशि से जो है दूसरे खाते को क्रेडिट अवश्य किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये आप था आपका था जी, ये क्वेश्चन नंबर वन जो है वो किस प्रकार से जो आपने इसकी जर्नल एंट्री करनी है और किस प्रकार से इसको आपने लेखा पुस्तकों में दिखाना है।